बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब ये जो रोड बंद हो गया तो इसके कारण तो हमें आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होगी। डंगे तो दसने थे, नीचे से ही जमीन बैठ रही है तो डंगे तो दस ही जाने थे। घटिया सीमेंट का उपयोग किया गया, सीमेंट की कोई गलती नहीं है, जमीन ही दस रही है यार। सीमेंट की क्या गलती है इसमें, देख वाला ये जो पेड़, हाँ ये जो पेड़ इतने पता है खैर कितना महंगा होगा, ये जो डह चुका है। चलो अभी ये बेच देंगे जो क्या बोलते वन विभाग वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत महंगे महंगे ये जो पेड़ होते थे तो पेड़ तो गिरेंगे। प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ हो रही थी तो छेड़छाड़ क्या पूरी, जैसे ज़्यादा दोष तो फोर लेन वालों को दे दिया जा रहा है कि फोर लेन रोड बन रहा है यहाँ पर पहाड़ों पर। बोलते हैं कि फोर लेन रोड जो है वो समतल जगह पर ही बनाया जा सकता है, पहाड़ों में नहीं, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों की यहाँ की प्रकृति है वो ये सब बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ के जो पहाड़ों के देवता होते हैं ना, उनको ये अच्छा नहीं लगा शायद तभी इसी कारण, और वैसे भी धरती पर पाप बहुत बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा है जो दोष है ना, पता किसको दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा दोष, पता किसको दिया जा रहा है? बोल रहे थे जब पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो 10 रुपए वाली जो मैगी होती है ना, वो उन्होंने कितने कितने रुपए की लगाई होती है, 130 रुपए की लगाई होती है पहाड़ों पर। तो भाई हिमाचल को ऐसे बदनाम मत करो, वो तो पहाड़ों पर इतना ही होगा। ये देख सकते हो आप, तो ऐसा करने से नहीं हुआ है ये सब, क्योंकि आपको पता ही है प्रकृति से कितनी छेड़छाड़ हो रही है। फोर लेन रोड बन रहा है, और भी ज़्यादा पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, और भी ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई जा रही है, ज़मीन को जो है उखाड़ा जा रहा है। तो इसी कारण से प्रकृति नाराज़ हो सकती है। कितने ज़्यादा पेड़ों को काटा गया है, ज़्यादातर ये सब पेड़ों को काटने से होता है, क्योंकि पेड़ काटने से जैसे कहीं कहीं जगह जो बहती भी नहीं है, अगर पेड़ नहीं काटें तो वो जगह बच जाती है, लेकिन जब पेड़ों को काट दिया जा रहा है तो फिर वो ज़मीन दसेगी, लैंडस्लाइडिंग ही होंगे, हज़ारों के तादाद में पेड़ काट जा रहे हैं। हाँ एक पेड़ काटा हो तो भी माने, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सब होगा ही, इस पे नेचर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो गाइस ये ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।